हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, जैसे कि हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया लेकर आता हूं, और ऐसे ही आज यहां पे देख सकते हैं मेरे पास एक वीवो का हैंडसेट है जो कि MTK चिपसेट है। तो इसमें हम देखने वाले हैं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हैंडसेट डेड है। तो ये कुछ नया फॉल्ट है, हालांकि बहुत छोटा सा फॉल्ट है, बट अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो इसमें आप काम बड़ा कर सकते हैं। यही एक रीज़न है कि मैं इस हैंडसेट का एक पूरा केस स्टडी लेकर आया हूं आपको बताने के लिए। तो ये अभी डेड कंडीशन में है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करने वाले हैं हम लोग। तो ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारा काम हुआ हुआ है, देख सकते हैं पूरा शील्ड वगैरह पतरा निकले हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें शॉर्टिंग है अभी, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे मैं सिर्फ अब इसमें एक टाइप सी का एक चार्जर लगाऊंगा, और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे मैंने चार्जर लगाया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एम्पियर लिफ्ट नहीं कर रहा है। तो एक बार मैं देखना चाहूँगा ये किस नंबर पे है, तो ये फर्स्ट नंबर पे लग के हैं। तो एक बार यहाँ से निकाल कर एक बार बैटरी फिर से वापस से लगा रहा हूँ, और नीचे का पत्ता अच्छे से कनेक्ट है, एक और बार लगाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे एम्पियर लिफ्ट नहीं कर रहा है। तो DC से भी आपको बताना चाहूँगा, DC से ऑन करके, और इसमें जो बेल्ट है हमारा बैटरी का, इस तरीके का यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है। तो मैं इस तरीके का पत्ता इसमें से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सेम ले लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो एक बार इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे ये यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं पत्ता मैंने बैटरी का यहाँ पे लगा दिया है। और अब हम इसको ऑन करके चेक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं पावर की प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मोबाइल हमारा कोई भी यहाँ पे एम्पियर लिफ्ट नहीं कर रहा है, ना तो ऑटो एम्पियर ले रहा है, ना तो बैटरी कनेक्ट करके पावर की दबाने से ये हमारा ऑन हो रहा है। तो अब एक बार मैं इसकी कूल टेस्टिंग में आपको बताना चाहूँगा कि बैटरी कनेक्टर पे क्या शॉर्टिंग या लीकेज आ रहा है। हालांकि DC में तो कोई एम्पियर लिफ्ट नहीं कर रहा है, तो मल्टीमीटर से हम यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले। तो हालांकि इसमें फॉल्ट बहुत छोटा सा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो मल्टीमीटर को रखेंगे हम बजर रेंज में, और सबसे पहले हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी में बैटरी कनेक्टर पे देखेंगे तो यहाँ पे VBAT, ये हमारा ग्राउंड पिन है, और इस साइड में अगर VBAT पे देखेंगे तो 340 के आसपास वैल्यू आ रहा है। ऐसे ही हम इसको फॉरवर्ड में भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल आ रहा है, मतलब ओके है। लेकिन फ्रेंड्स, अब हम बैटरी कनेक्टर तो चेक कर लिए, ओके है, एक बार पूरा PCB चेक करेंगे क्या कहीं पे शॉर्टिंग है। तो इसमें हमने जैसे अभी देखेंगे तो रेड ग्राउंड करेंगे, और सबसे पहले ये हमारी चार्जिंग IC होती है जो कि हमारी DC to DC होती है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देख सकते हैं VPH कॉइल के पास आपको यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मोबाइल में ऑलरेडी यहाँ पे चेक किया हुआ है, देख सकते हैं। इसके अलावा आसपास और भी देखेंगे, और अगर इस साइड में भी देखेंगे यहाँ पे रिंगर के पास भी शॉर्टिंग आ रही है, और अगर पावर AC के पास देखेंगे तो ये देख सकते हैं कैपेसिटर्स सारे शॉर्ट है। ये जो कैपेसिटर्स होते हैं हमारे, ये VPH इनपुट होती है पावर AC के लिए। इसके अलावा कॉयल में और भी देखेंगे कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है, बस ये जो कैपेसिटर्स है यहाँ पे शॉर्ट है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा VPH कॉइल के पास तो यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही है। अगर इस तरीके का मोबाइल आपके पास आ जाता है, तो अभी आपने देखा बैटरी यहाँ पे निकली हुई है जैसा आप देख सकते हैं, तो VPH में अगर शॉर्टिंग मिलती तो हम जनरली काम क्या करते हैं, इस कॉइल को हटा करके चार्जिंग AC के पास देखते कि इस साइड में तो शॉर्टिंग नहीं है, या फिर आप देखते कि पूरे मोबाइल में रोजन वगैरह करके आप देखते कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो फ्रेंड, ऐसे कंडीशन में आपको एक और चीज भी देखनी है, हमेशा जरूरी नहीं है कि ऊपर का जो मदरबोर्ड है यहीं से शॉर्टिंग होगी। यही चीज में मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, शायद ही आपने ऐसा बहुत कम वीडियो देखा होगा। ये वीवो का हैंडसेट है,
और इसका अगर लाइट आईसी देखेंगे आप तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको लाइट आईसी नहीं मिलने वाला। ये एक सुपर अमोलेड डिस्प्ले का मोबाइल है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, जो हमारी 6371P होती है, 6370 होता है, उसी के अंदर लाइट आईसी समझ करके यहीं पे वो लोग वर्क करते हैं। बट इस मोबाइल में लाइट आईसी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। और इसका जो लाइट आईसी है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं सब बोर्ड में यहाँ पे इसका सुपर अमोलेड डिस्प्ले के लिए जो लाइट ड्राइवर आईसी होती है यहाँ पे DOS04 के नाम से यहाँ पर ये आईसी लगी हुई है। तो VPN लाइन हमारी यहाँ पे शॉर्ट तो आ रही है। अगर आपके पास अगर ये मोबाइल आ जाता तो आप मदरबोर्ड में आप ऊपर की तरफ सारा का सारा चेक करते और कोशिश करते कहीं से शॉर्टिंग निकालने की। बट फ्रेंड्स इसमें हमने चेक किया जो कि हमको जो शॉर्टिंग मिली है यहाँ पर VPN लाइन में, जो कि VPN लाइन नीचे भी आती है, जैसे आप देख सकते हैं इस लाइट आईसी को ऑन कराने के लिए VPN लाइन दोनों कॉइल्स पे आएगी और एक कॉइल इसमें ग्राउंड के साथ होगा। जो ऊपर वाला कॉइल है वो ऑलरेडी ग्राउंड रहेगा और नीचे जो कॉइल है वहां पे भी VPN लाइन आनी चाहिए। तो यहां पे भी हमने चेक किया, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इस वाले कॉइल में भी आपको शॉर्टिंग मिल रही है और ये जो कॉइल होता है हमारा ये ऑलरेडी ग्राउंड ही होता है, जैसे कि बीप साउंड आ रहा है। और ये जो दोनों कॉइल होते हैं ये इसके लिए इनपुट सप्लाई होती है, तो यहां पे भी आप देख रहे हैं तो ये VPH हमारा नीचे के सब बोर्ड में भी जा रहा है। तो नीचे जा रहा है मतलब नीचे भी शॉर्टिंग है और ऊपर भी शॉर्टिंग है। तो अब ये पहले कंफर्म करना पड़ेगा आपको कि VPH हमारा नीचे शॉर्ट है या तो फिर ऊपर शॉर्ट है। इसके लिए आपको ये जो पत्रे होते हैं ये बेल्ट निकालना पड़ेगा। ये सब बोर्ड का बेल्ट मैंने निकाला है, ये देख सकते हैं नीचे अभी भी ये कनेक्टेड है। तो जैसे मैंने सब बोर्ड का बेल्ट निकाला, ये देख सकते हैं बेल्ट मैंने निकाल लिया। अब एक बार हम चेक करेंगे यही वाले कंपोनेंट्स पे क्या शॉर्टिंग हमारा अभी भी आ रहा है क्या। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, वापस से रेड ग्राउंड करेंगे और जैसे ही मैं इन्हें यहां पे लगाया देख सकते हैं शॉर्टिंग हमारा नहीं है। यहां पर 360 GR आ चुका है, इस साइड में भी देखेंगे और ये जो कॉइल कैपेसिटर्स हमारे सारे ग्राउंड के साथ बीप मार रहे थे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है, सारा का सारा ओके हो गया। ये वाला कॉइल भी हमारा रिंगर के पास बीप आ रही थी, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं ये कनेक्टर लगा के बताता हूं आपको, ये देख सकते हैं वापस से मैंने सिर्फ कनेक्टर लगाया है और यहाँ पे आप देखोगे ये देख सकते हैं वापस से शॉर्टिंग आ गया। यही अगर आप पावर के पास भी देखोगे तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग आ रहा है। अब मैं फिर से कनेक्टर ये निकाल लेता हूँ, नीचे का जो B2B का हमारा FPC कनेक्टर होता है, देख सकते हैं FPC कनेक्टर मैंने निकाल दिया है। फिर से मैं इसी कॉइल पे चेक करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग जा चुका है। तो फ्रेंड्स एक चीज कंफर्म हो चुकी है हमारी कि हमारा शॉर्टिंग मेन बोर्ड में नहीं है, बल्कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो हमारा इस वाले सब बोर्ड में है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर शॉर्टिंग होती है तो इस तरह का आपको एक सब बोर्ड मिलता है, आप इसको चेंज कर देते हैं। ये देख सकते हैं सेम इसी तरह का ये सब बोर्ड हमको मिल जाता है मार्केट में, आप लोग इसको डाल लेते हैं और इसको डाल के इसकी जगह पे वर्क करा लेते हैं। देख सकते हैं ये कॉपी वाला है हमारा, तो कॉपी वाले में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देख सकते हैं, एंटीना का यहाँ पे ये नहीं है। तो ऐसा वाला मिल जाता है तो फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आपको नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, कभी माइक की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, आप लोग ये वाला डाल लेंगे तब भी आपका काम कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसी को भी हम रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नीचे जो VPH सप्लाई हमारी ऊपर से आती है तो वो हमारा सप्लाई यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, इस कनेक्टर में अगर आप देखोगे तो इसको आपको ट्रेस करना है ऊपर से। 4 वोल्ट जो है आपका इस वाले कनेक्टर में, एक बार बैटरी को हटा देता हूं मैं, तो जो नीचे का पत्ता है हमारा ये देख सकते हैं यहाँ पर VPH जो सप्लाई आपकी ऊपर से आनी चाहिए 1 2 3 4, ये चारों में आपके VPH आनी चाहिए। और यही 4 अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4, पहला वाला तो इसका ग्राउंड पिन ही है, यहाँ से देखोगे 1 2 3 4, ये चारों में आपको 4 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कूल टेस्टिंग पहले करेंगे, अगर इन 4 पिन पे आपका बीप मिल रहा है मतलब नीचे से VPH लाइन शॉर्ट हो रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार हम रेड को ग्राउंड करेंगे और मैं इस कनेक्टर के 1 नंबर पे चेक कर रहा हूं, जैसे कि 1 नंबर तो बीप ग्राउंड ही है, ये देख सकते हैं 2 नंबर 3 4 और 5, ये चारों भी आपके आपस में कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे VPH सप्लाई जो कि यहाँ से कनेक्ट होती है, देख सकते हैं अभी भी ये कॉइल पे हमारे शॉर्टिंग है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग है। तो अब फ्रेंड्स मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे रोजन लगाऊंगा
और 4 वोल्ट यहाँ पे दूंगा मैं। इस वाले पिनों में से किसी भी एक पिन पे अगर आप 4 वोल्ट आप इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर किसी भी कंपोनेंट में या आईसी में शॉर्टिंग रहेगी तो इजीली हमको फाइंड आउट हो जाएगी। तो वीडियो देखिए आप, इस तरह का आपको सब बोर्ड डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज रहेगी तो आप इसको भी रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा डिस्प्ले का पत्ता थोड़ा सा बाजू कर देता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अभी लगाने वाला हूँ रोजन, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। तो आपको समझ के बनाना है मोबाइल को कि मेन बोर्ड में शॉर्टिंग है या सब बोर्ड में शॉर्टिंग है। लाइट सेक्शन, चूंकि इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि लाइट सेक्शन जो आपका आ रहा है अभी सब बोर्ड में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि पीएमआई वाला ही आईसी आपका लाइट का हो, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा तो यहाँ पे इस तरह का आईसी भी आपका आ सकता है। तो ये देख सकते हैं रोजन मैंने यहाँ पे लगा लिया है, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम डीसी से 4 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि शॉर्टिंग हमारा जाता है कि नहीं जाता है या कहाँ पे शॉर्टिंग मिलता है। तो एक छोटा सा वीडियो है सोल्यूशन के लिए, आपको मेरे पास एक मोबाइल आया है कस्टमर का, ये तो हम सोचे कि आपको कुछ बता दें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स टाइम बिल्कुल नहीं होता है हमारे पास, जस्ट अभी क्लास हुई मेरी और देख सकते हैं यहाँ पे 3 बज रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं, अभी तक लंच भी हमने नहीं किया है। तो चलिए यहाँ पे ग्राउंड पे मैं ये वाला प्रोब रख लेता हूँ यहाँ पर, जैसा कि देख सकते हैं ग्राउंड मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कनेक्टर के 1, 2, 3, 4 में से किसी भी एक पिन पे मैं ये 4 वोल्ट हमारा इंजेक्ट करूंगा। तो आप देखिए, देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे इंजेक्ट किया यहाँ पे कैपेसिटर पॉपअप हो गया। एक बार फिर से रोजन लगा के मैं बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे कम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता से गर्म होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर तो अभी मैं कर देता हूँ इसमें 3 वोल्ट, देखते हैं 3 वोल्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है वापस से यही। तो वापस से ग्राउंड यहाँ पे करूंगा मैं और 4 वोल्ट 3 वोल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टच किया वापस से ये कैपेसिटर हमारा पॉपअप हो गया है। अब इस कैपेसिटर को निकालेंगे और निकाल कर चेक करते हैं कि हमारा शॉर्टिंग यहाँ से जाता है कि नहीं जाता है। तो इसको निकालने के लिए तो ये देख सकते हैं ये कैपेसिटर मैंने बाहर निकाल लिया, एक बार इसको चेक कर लेंगे कि क्या बीप आ रही है कि नहीं आ रही है इसमें, उसके बाद हम मोबाइल को ऑन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा होगा आपको, तो कहीं उड़ गया, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 400 के आसपास जीआर आ गया हमारा और एक साइड तो इसका ग्राउंड ही होता है। और यहाँ पे भी चेक कर लेंगे जो कि अभी तक बीप आ रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 400 सी और यहाँ पे भी 400 सी, मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था अभी सॉल्व हो चुका है। कैपेसिटर कहीं पर उड़ गया है तो कोई बात नहीं, हम डिस्प्ले लगा लेते हैं और ऑन करके एक बार चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता है। तो ये कोशिश की है आपको बताने की, स्टेप बाय स्टेप आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं, हालांकि अगर नॉलेज नहीं होगी तो काम बढ़ा भी सकते हैं आप लोग इसमें। तो यहाँ पे डिस्प्ले मैंने लगा लिया है, बैटरी भी हमने लगा ली है, देख सकते हैं। एक बार मैं ऊपर भी बताना चाहूँगा कि पहले जो ये कनेक्टर लगाने के बाद यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही थी, तो एक बार कूल टेस्टिंग के थ्रू बताना चाहूँगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे जीआर आ गया, यहाँ पे भी हमारा जीआर और ये सारे कैप पहले शॉर्ट आ रहे थे, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। एक बार मोबाइल ऑन करेंगे, और ऑन करके चेक करेंगे बैटरी में चार्जिंग होगा तो हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे वीवो 5G का हैंडसेट है ये, थोड़ा सा यहाँ से कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया इसका,
तो देख सकते हैं ये हमारा मोबाइल अभी ऑन हो गया है, लाइट इसकी आ चुकी है और मोबाइल भी ऑन हो चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर नीचे अगर वीपीएन लाइन नीचे से अगर शॉर्ट रहेगी तो ऊपर का भी जो सप्लाई है उसको शॉर्ट कर देगी और आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा, जो वोल्टेज है जो एम्पियर है वो ड्रॉप करा देगी। आपको समझना है, समझ के बनाना है कि मेन बोर्ड में प्रॉब्लम है या सब बोर्ड में प्रॉब्लम है। शॉर्टिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेन बोर्ड में ही शॉर्टिंग होगी, सब बोर्ड से भी हो सकती है और इस तरह का आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ने प्रॉपर नॉलेज रहेगी तो एक कैपेसिटर निकाल के भी आप मोबाइल बना सकते हैं, एक रजिस्टर लगा कर भी आप मोबाइल बना सकते हैं। तो देख सकते हैं पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है, कस्टमर का मोबाइल है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ऑन हो गया है। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है, प्रॉपर सीखना है, फोन फिक्स हैदराबाद की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच अभी 27 अगस्त का बुकिंग चल रहा है, बहुत ही जल्द आपको बहुत ही नया कंटेंट उसमें मिलने वाला है। तो अभी बुकिंग चल रही है, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, डिटेल ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।